हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव कुमार। होप यू ऑल आर गुड। सो सी लैंग्वेज की सीरीज़ में ये हमारा 13th वीडियो है। सो आज हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, देन कितने टाइप्स के होते हैं। द फॉर्मेट स्पेसिफायर इज अ स्ट्रिंग यूज्ड इन द फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। फॉर्मेट स्पेसिफायर एक स्ट्रिंग है जिसका यूज फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट फंक्शंस में किया जाता है। द फॉर्मेट स्ट्रिंग डिटरमाइंस द फॉर्मेट ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट। फॉर्मेट स्ट्रिंग इनपुट और आउटपुट के फॉर्मेट को डिटरमाइंस यानी कि निर्धारित करते हैं। द फॉर्मेट स्ट्रिंग्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ परसेंट करेक्टर्स। फॉर्मेट स्ट्रिंग हमेशा परसेंट करेक्टर के साथ स्टार्ट होते हैं और सी लैंग्वेज में हम परसेंट करेक्टर्स को मॉड्यूलस के नाम से जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको परसेंट के नाम से ही यूज़ करेंगे। सो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊँ कि फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ तब करते हैं जब हम किसी वेरिएबल में स्थित वैल्यू को डिस्प्ले यानी कि प्रिंट कराना चाहते हैं, या किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं, तब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। और हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ डेटा टाइप के बेस पर करते हैं, यानी कि जिस तरह का हमारा डेटा टाइप होगा उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे। सो अगर आपने हमारी डेटा टाइप्स की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप वहाँ से डेटा टाइप्स के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर का एक चार्ट बनाया है। सो फर्स्ट इज परसेंट डी और परसेंट आई। इट इज़ यूज टू प्रिंट द साइंड इंटीजर वैल्यू। सो इसका यूज हम साइंड इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए करते हैं। वेयर साइंड इंटीजर मीन्स दैट द वेरिएबल कैन होल्ड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। जहाँ साइंड इंटीजर वैल्यू का मतलब है कि इंटीजर वैल्यू हमारी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। सो अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रोग्राम के थ्रू। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिया है जिसमें बी और सी वेरिएबल हैं जिनके अंदर 6 और 8 मैंने स्टोर करा दिया है। देन उसके बाद मैंने इनको सिंपली प्रिंट करा दिया है बी को और सी को, यानी कि ये यहाँ पे परसेंट डी हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है। सो हम परसेंट डी का यूज इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए करते हैं। देन जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे आप यहाँ पे इसके आउटपुट देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ बी 6 और वैल्यू ऑफ सी इज 8, यानी कि परसेंट डी का यूज इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए किया जाता है, लाइक 1, 2, 3। देन नेक्स्ट है हमारा परसेंट यू। इट इज यूज टू प्रिंट द अनसाइंड इंटीजर वैल्यू। सो इसका यूज हम अनसाइंड इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए करते हैं। वेयर द अनसाइंड इंटीजर मीन्स दैट द वेरिएबल कैन होल्ड ओनली पॉजिटिव वैल्यू। जहां अनसाइंड इंटीजर का मतलब है कि वेरिएबल केवल पॉजिटिव वैल्यू को होल्ड कर सकता है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर कर सकता है या उसको प्रिंट कर सकता है। सो यहाँ पे आप इसका प्रोग्राम देख सकते हैं परसेंट यू का। देन यहाँ पे मैंने बी और सी में 2 वैल्यू स्टोर कराई हैं, बी के अंदर +10 है और सी के अंदर -10। देन जब हम इसको प्रिंट करेंगे सो यहाँ पे आप इसकी आउटपुट देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ बी इज 10, देन वैल्यू ऑफ सी इज, यानी कि देख सकते हैं कितनी बड़ी वैल्यू है। यानी कि परसेंट यू का यूज करके केवल हम पॉजिटिव वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। द नेक्स्ट इज परसेंट ओ। इट इज यूज्ड टू प्रिंट द ऑक्टल अनसाइंड इंटीजर। सो इसका यूज करके हम ऑक्टल अनसाइंड इंटीजर को प्रिंट कराते हैं। वेयर ऑक्टल इंटीजर वैल्यू ऑलवेज स्टार्ट विद अ 0 वैल्यू। जहां ऑक्टल इंटीजर वैल्यू हमेशा 0 वैल्यू से स्टार्ट होगी। सो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं परसेंट ओ का। सो यहाँ पे मैंने ए वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू स्टोर करा दी है। देन जब हम इसको प्रिंट करेंगे यानी कि इसको रन करेंगे सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू 100 प्रिंट हो गई है, जबकि मैंने ए के अंदर 0100 वैल्यू ऐड की थी।
लेकिन यहाँ पे 100 प्रिंट हुई है। और बात करें परसेंट टी का यूज़ करके, जब हम ए को प्रिंट कराते हैं तो हमारा 64 प्रिंट हुआ है। द नेक्स्ट इज परसेंट एक्स, इट इज़ यूज टू प्रिंट द हेक्साडेसिमल अनसाइंड इंटीजर। तो इसका यूज़ हम हेक्साडेसिमल अनसाइंड इंटीजर को प्रिंट करने के लिए करते हैं। वेयर द हेक्साडेसिमल इंटीजर वैल्यू ऑलवेज स्टार्ट विद द जीरो एक्स वैल्यू, जहाँ हेक्साडेसिमल वेरिएबल की वैल्यू हमेशा जीरो एक्स से स्टार्ट होती है। इन दिस अल्फाबेटिकल करेक्टर्स आर प्रिंटेड इन स्मॉल लेटर्स सच एज ए बी सी। इसमें अल्फाबेट के छोटे अक्षर प्रिंट होते हैं, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। सो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रोग्राम के थ्रू। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वाई के अंदर जीरो एक्स और कैपिटल ए स्टोर कर दिया है, और जब हम इसको रन करेंगे सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने परसेंट स्मॉल एक्स का यूज किया है तो हमारी वाई की वैल्यू यहाँ पे स्मॉल ए प्रिंट हुई है, लेकिन जब हमने परसेंट कैपिटल एक्स का यूज किया है फॉर्मेट स्पेसिफायर में तो हमारा कैपिटल ए प्रिंट हुआ है, लेकिन जब हमने परसेंट डी का यूज किया है तो हमको 10 वैल्यू मिली है आउटपुट में। सो नेक्स्ट इज परसेंट कैपिटल एक्स, इसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। इट इज यूज टू प्रिंट द हेक्साडेसिमल अनसाइंड इंटीजर। सो इसका यूज हम हेक्साडेसिमल अनसाइंड इंटीजर को प्रिंट करने के लिए करते हैं। बट परसेंट कैपिटल एक्स प्रिंट द अल्फाबेटिकल करेक्टर्स इन अपर केस सच एज कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। लेकिन परसेंट कैपिटल एक्स अल्फाबेट के अक्षरों को अपर केस में प्रिंट करते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। द नेक्स्ट इज परसेंट एफ, इट इज यूज फॉर प्रिंटिंग द डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। सो इसका यूज हम डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए करते हैं। बाई डिफॉल्ट इट प्रिंट्स द 6 वैल्यूज आफ्टर पॉइंट। बाई डिफॉल्ट ये पॉइंट के बाद 6 वैल्यू प्रिंट करता है। सो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम में फ्लोट डेटा टाइप के एक वेरिएबल में 3.4 को स्टोर करा दिया है। सो अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। सो प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। हमने y के अंदर 3.4 वैल्यू स्टोर की थी, लेकिन यहाँ पे आप इसकी आउटपुट देख सकते हैं कि 3.4000 यानी कि पॉइंट के बाद 6 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं। द नेक्स्ट इज परसेंट ई और परसेंट कैपिटल ई, इट इज यूज फॉर साइंटिफिक नोटेशन। इसका यूज हम साइंटिफिक नोटेशन के लिए करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपोनेंट, इसे एक्सपोनेंट के नाम से भी जाना जाता है। सो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। परसेंट ई, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई के अंदर 3 वैल्यू को स्टोर कर दिया है, लेकिन जब हम इसको प्रिंट करेंगे यानी कि प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या स्टोर हुई है, 3.000 लाइक दिस। यानी कि जब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर में स्मॉल ई का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे स्मॉल ई शो होगा, और जब हम कैपिटल ई का यूज करते हैं तो यहाँ पे कैपिटल ई शो होगा। सो नेक्स्ट इज परसेंट जी, इट इज यूज टू प्रिंट द डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। इसका यूज हम डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए करते हैं। एंड इट यूज द फिक्स्ड प्रिसीजन, और यह है फिक्स्ड प्रिसीजन है, आई ई द वैल्यू आफ्टर द डेसिमल इन द इनपुट वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द वैल्यू इन द आउटपुट। यानी कि इनपुट में दशमलव के बाद की वैल्यू और आउटपुट वैल्यू सेम रहेगी। सो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं परसेंट जी का। सो यहाँ पे मैंने फ्लोट वाई के अंदर 3.8 स्टोर कर दिया है, देन इसको हम परसेंट जी फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ प्रिंट करते हैं। यानी प्रोग्राम को पहले रन कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.8 यहाँ पे वाई की वैल्यू प्रिंट हो गई है। सो वैल्यू हमारी सेम है जो कि हमने यहाँ पे वेरिएबल को वैल्यू दी थी, और वैल्यू जो हमें प्रिंट होकर आई है ये दोनों ही हमारी सेम है। सो मैं यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग के लिए विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ कर रहा हूँ। सो अगर आप यह देखना चाहते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड में सी प्रोग्राम कैसे रन कर सकते हैं, सो उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है। सो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो नेक्स्ट इज परसेंट पी,
इट इज यूज टू प्रिंट द एड्रेस इन अ हेक्साडेसिमल फॉर्म। सो इसका यूज एड्रेस को हेक्साडेसिमल फॉर्म में प्रिंट करने के लिए किया जाता है। सो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं परसेंट पी का। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीजर डेटा टाइप के अंदर हमने वाई वेरिएबल में 5 को स्टोर करा दिया है। सो पहले प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, जब हमने परसेंट पी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया है तो आउटपुट हमारी कुछ इस तरह से आई है। सो नेक्स्ट इज परसेंट सी, इट इज यूज टू प्रिंट द अनसाइंड करेक्टर। सो इसका यूज हम अनसाइंड करेक्टर को प्रिंट करने के लिए करते हैं। सो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं परसेंट सी। सो यहाँ पे मैंने ए वेरिएबल के अंदर सी करेक्टर को स्टोर करा दिया है। देन जब हम इसको प्रिंट करेंगे सो आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सी आउटपुट हमें मिल गया है, यानी कि करेक्टर ए के अंदर हमने सिंगल कोड के अंदर सी को हमने स्टोर कराया था। सो आउटपुट हमारी सेम है। देन नेक्स्ट इज परसेंट एस, इट इज यूज टू प्रिंट द स्ट्रिंग्स। सो इसका यूज हम स्ट्रिंग्स को प्रिंट कराने के लिए करते हैं। सो परसेंट एस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंट एस फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ हम कंप्यूटर कनेक्शन को प्रिंट कराना चाहते हैं। सो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट के रूप में कंप्यूटर कनेक्शन हमें मिल गया है। सो नेक्स्ट इज परसेंट आईडी, इट इज यूज टू प्रिंट द लॉन्ग साइंड इंटीजर वैल्यू। सो इसका यूज हम लॉन्ग साइंड इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए करते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है कि किस डेटा टाइप के लिए किस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया जाता है। सो आप इसे नोट्स में यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर विंडोज़ प्रॉब्लम और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।